जम्मू कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद जहां बर्फबारी और बारिशों का दौर शुरू हो गया है, वहीं ट्रांसफर ऑर्डर भी एलजी प्रशासन द्वारा लगातार निकाले जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग को लेकर ट्रांसफर ऑर्डर निकाला गया था और बड़े पैमाने पर डीआईजी, एडीजीपी, एसपी और एसएसपी रैंक के जो ऑफिसर्स थे उनके तबादले किए गए। और अभी पिछले दो दिनों में देखा जाए तो एलजी प्रशासन द्वारा 5 से 6 ऑर्डर जो है वो निकाले गए हैं ट्रांसफर्स के, जिनमें आईएएस, आईएफएस और जेकेएएस ऑफिसर जो हैं उनके तबादले किए गए हैं और ये तबादले बड़े पैमाने पर किए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं और उन इलेक्शनों से पहले ही ये सभी ट्रांसफर्स ऑर्डर जो है वो निकाले जा रहे हैं। जो मैं अभी आपके साथ ट्रांसफर ऑर्डर शेयर कर रहा हूँ, ये 127 तहसीलदार हैं जिन्हें देर रात को ट्रांसफ़र किया गया है, उनका ऑर्डर जो है वो देर रात को निकाला गया और जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो तहसीलदार थे उनको ट्रांसफ़र किया गया है और 127 नंबर सामने आए हैं जिन तहसीलदारों को ट्रांसफ़र किया गया है। तो नाम आपके सामने हैं जिनमें साफ तौर पर बताया गया है कि शुरुआत जो है वो कश्मीर के श्रीनगर इलाके से की गई है, वहाँ से तहसीलदारों को ट्रांसफ़र किया गया है और उनकी नई पोस्टिंग जहाँ पर हुई है वो भी बताई जा रही है। वहीं जम्मू प्रोविंस की बात की जाए तो जम्मू में भी ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो तहसीलदारों के निकाले गए हैं। इन 127 ट्रांसफ़र जो ऑर्डर निकाले गए यानी 127 नंबर में कश्मीर प्रोविंस के भी और जम्मू प्रोविंस के जो हैं वो तहसीलदार ट्रांसफ़र किए गए हैं। इनमें अगर रियासी ज़िले की बात की जाए, डोडा ज़िला की बात की जाए, जम्मू ज़िला की बात की जाए, रामबन ज़िला की बात की जाए, उधमपुर, कठुआ, सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो तहसीलदारों को ट्रांसफ़र किया गया है। जहाँ पर अभी तक वो अपनी सर्विसेज दे रहे थे अब उन्हें नई जगह पर जो है वो पोस्ट यानी कि उनकी पोस्टिंग जो है वो की गई है। वही कुछ नाम मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, तस्वीरें आपके सामने हैं, नाम आपके सामने हैं। साहिल रंधावा जूनियर जेके एएस जो ऑफिसर है, जो तहसीलदार हैं, ये ठाठरी में थे पहले, अब इन्हें पौनी डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं आरती भारद्वाज जो है एफसीआर ऑफिस में थी, इन्हें जम्मू साउथ में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं सतीश राणा जूनियर जेकेएस तहसीलदार जो है ये पाडर में थे, अब इन्हें ठाठरी डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं उमर जान जेब जूनियर जेकेएस जो ऑफिसर है, तहसीलदार थे भद्रवाह में, इन्हें दक्षिण डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये सारी लिस्ट आपके सामने है, एक लंबी फहरिस्त है जिनमें सभी तहसीलदारों को जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। इनमें पेरीपट्टन, डंसाल, चनैनी, मंडल, बनी, अरनिया, बाहू, बड़ी ब्राह्मणा, किला, दरहाल और सभी लोगों के ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाले गए हैं। और जो अभी तक इंतज़ार कर रहे थे, जिन्हें अभी पोस्ट नहीं मिली थी, उन्हें भी पोस्ट किया गया है। यानी कि जो ऑर्डर को लिए, अपने पोस्टिंग ऑर्डर के लिए जो वेट कर रहे थे उन्हें अब ऑर्डर मिल गया है और उन तहसीलदारों को भी अब जो जगह है जहाँ पर उन्हें चुना जाएगा वो भी निर्धारित कर दी गई है और इन ट्रांसफ़र ऑर्डर में उनका भी जिक्र किया गया है। वहीं अगर बात की जाए डोडा की, आरसपुरा की, रामनगर की, जम्मू वेस्ट की, तो जम्मू वेस्ट की अगर बात की जाए, सतीश कुमार थे तहसीलदार, इन्हें जम्मू वेस्ट से हटाकर अब रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो है वहां पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि प्रशासन की तरफ से लगातार अब पिछले 2-3 दिनों से देखा जाए तो बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से जो है वो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं और सभी ऑफिसर रैंक की बात की जाए, चाहे वो आईएएस हो, आईएएफएस हो, जेकेएएस ऑफिसर्स हो, उन्हें तो ट्रांसफ़र किया ही गया है। साथ ही साथ जूनियर जेकेएएस ऑफिसर के जो है यानी कि तहसीलदार जो हैं इन्हें भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है और हो सकता है आने वाले समय में और ऑर्डर ऐसे निकाले जाएं और बाकी ऑफिसर जो हैं उन्हें भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो बड़े पैमाने पर एलजी प्रशासन जो है इस वक्त ट्रांसफ़र की ओर जो है उनका जोर दिया हुआ है और बाकी आने वाले समय में बताया जा रहा है कि ऐसे ऑर्डर जो हैं वो और भी निकाले जा सकते हैं और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद जो आने वाले इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं उन्हीं को लेकर ये ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो प्रशासन द्वारा निकाले जा रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटर के लिए नमस्कार।